बिटसेट 2023 की आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टेप रहेगी इस प्रोसेस की, जिसके अंदर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना रहेगा कि आप किस हिसाब से अपना जो है ब्रांच ऊपर रखना चाहते हो, कौन सी ब्रांच को, साथ ही साथ कौन से कैंपस को ऊपर रखना चाहते हो, वो चीज आप फिल कर पाओगे। प्लस आप जो है क्लास 12 के मार्क्स भी यहाँ पे अपने अपलोड कर पाओगे। तो ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। फिर भी यहाँ पे कई सारे डाउट्स अभी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे थे, तो इस वीडियो में हम आपके लिए वो चीजों को कवर करेंगे, जिसके अंदर जो यहाँ पे मेजर डाउट स्टूडेंट्स के है वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है, किन चीजों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। और यहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स के लिए कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और क्या कोई बेनिफिट है कि अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आते, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सेम मार्क्स है, तो ये चीज भी जरूर से देखिएगा। एंड अगर आपको जो है अभी क्लास 12 के मार्क्स आपके अभी अनाउंस नहीं हुए, मान लीजिए आप ऐसे बोर्ड से हैं जहां पे अभी क्लास 12 के मार्क्स नहीं आए, तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आपने अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था, मतलब आप सीधे सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में कम नंबर मिले, कि पिछले साल का अगर आप कट ऑफ देख रहे हो तो आपको कोई ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो इस हिसाब से आप सोच रहे हो कि सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर हो जाए, उसके बाद आप प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस तो यहाँ पे स्टार्ट हो ही चुकी है, साथ ही साथ अब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी हमारे पास जो है कुछ ही दिन रह गए। एंड इन दिनों में अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज को भी जरूर से चेक कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम पे आपके प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हर एक जो कोर्स है उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम को भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंडिविजुअल पैकेजेस है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, जैसे अगर स्टूडेंट्स रेलिवेंट मॉक टेस्ट की नजर में है तो वो देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे सिर्फ आप LR एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी कोर्स देखने को मिल जाएगा, या फिर शॉर्ट नोट्स देखना चाहते हैं जिसके थ्रू आप लास्ट में सारे फॉर्मुलेस को अच्छे से रिवाइज कर पाए, तो वो सब चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे, तो आप जाके जरूर से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपकी बात करें कि आपको किस तरीके से सबसे पहले ब्रांच सिलेक्शन और क्लास 12 के मार्क्स कहाँ पे अपलोड करने, तो यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस फॉर्म का अपडेट दिख रही होगी, इसके अंदर आपकी दो लिंक्स है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है पीसीएम के थ्रू अप्लाई करने वाले, उनको फर्स्ट लिंक के थ्रू करना है, बाकी ये बी फार्मा के लिए है, तो बी फार्मा के लिंक से नहीं, ज्यादातर वैसे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस लिंक के थ्रू ही यहाँ पे अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1000 रुपीज की फीस रहेगी आपकी एप्लीकेशन फी की, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अलाउ मी टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना रहेगा, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस है, ये तीन पार्ट में, सबसे पहला पार्ट जो है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको उसके अंदर फिल करनी रहेगी, दूसरे पार्ट में आपको आपके क्लास 12 के जो मार्क्स है वो सब्जेक्ट वाइज डालने रहेंगे, और पार्ट थ्री में आपको आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो एक बार इन तीनों पार्ट्स को जो है एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, तो कुछ सैंपल पेजेस जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएंगे, तो उसको हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपना फुल नाम जो है डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, और फिर यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, सिटी डाल दीजिएगा, स्टेट, पिन कोड, फिर फोन नंबर, और इसके बाद नेशनलिटी, और ये चीज हो गई। और इन केस अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है, तो उस केस में आपको आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पे डालना रहेगा, तो वो कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे, बट अगर आपने जो है कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया तो वो यहाँ पे आएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी बिट्स प्लानिंग में पढ़ रहे वो तो इसके लिए जो है वैसे भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। पार्ट टू में जो है फिर आपको क्लास 12 के आपके रिजल्ट अपलोड करने, तो इसमें जो है आपको क्लिक करना रहेगा कि ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपियरिंग, तो इनकेस जो ड्रॉपर्स है वो 2022 कर सकते हैं, या फिर अगर आप अभी अपियर हुए थे तो 2023 हो जाएगा, इस हिसाब से आपने कर दिया। फिर डेट कब जो है डिक्लेयर हुई थी, तो एक रफ डेट आपको जो है यहाँ पे डालनी रहेगी, और बाकी अपने मार्क्स की डिटेल जो है आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है ऑब्टेन्ड बाय यू इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, तो जितने भी आपके जो टोटल मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पे डालने रहेंगे, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, तो मोस्टली जो है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट रहते हैं, सभी के 100 100 मार्क्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 500 आएगा, और उसमें से आपके जितना भी एग्रीगेट बना, लेट्स एग्जाम्पल के लिए ले लें 460 बना, तो ये जो है आपका यहाँ पे स्कोर डलेगा, और बाकी जो जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे मैक्सिमम मार्क्स, इस हिसाब से डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आई विल एंटर द मार्क्स लेटर भी कर सकते हैं, इनकेस आपका बोर्ड का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो बाकी फॉर्म आपका जो है सेव हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, तो कुछ बोर्ड्स के लिए हो सकता है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मोर देन 100 हो, ठीक है, कुछ जैसे तेलंगाना बोर्ड के शायद 150 मार्क्स में से जो है सब्जेक्ट में कुछ कुछ
आपको जो है मार्क्स मिले, तो उन केस में जो है आपका यहाँ पे फिर मार्क्स ऑब्टेन मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 डालेंगे, और जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन थे वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो ये छोटी चीजों का जो है ध्यान रखिएगा। और आपको जो है सम ऑफ बोथ थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स दोनों को जो है यहाँ पे सम लेते हुए चलना होगा, क्योंकि फिजिक्स का जैसे कि हमारा थ्योरी भी होता है प्रैक्टिकल, तो 70 में से आपका जो भी यहाँ पे थ्योरी के अंदर स्कोर आया था और प्रैक्टिकल 30 में से जो भी स्कोर आया था, इन दोनों का सम करके जो है आप यहाँ पे लिखोगे पहले बॉक्स में, और मैक्सिमम मार्क्स में आपका क्या आ जाएगा 100। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और मार्क्स जो है आपको जो भी क्लास 12 में मार्क्स आए वही आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब आपके रिपोर्ट कार्ड में जो दिख रहे, ये नहीं कि आपने कुछ भी मैनिपुलेट किया कि 75% रूल को हम थोड़ा सा जो है दिखाने के लिए एक दो नंबर आगे पीछे कर दिया, वो चीज बिल्कुल मत करना, क्योंकि अभी के लिए आपसे जो है यहाँ पे क्लास 12 की मार्कशीट भला ही वो अपलोड नहीं करवा रहे, लेकिन एडमिशन के टाइम पे जो है आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, तो फिर से एक बार जो है चेक किए जाएंगे मार्क्स, और अगर उसमें कुछ भी यहाँ पे गलती निकलती है तो वहीं के वहीं आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इतना आप खर्चा भी करोगे और उसके बाद ये सब दिक्कत आए तो ऐसे इसमें मत फंसिए। अगली चीज ये हो गई कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स को जो भी मार्क्स उनके क्लास 12 की मार्कशीट में दिख रहा है वही उन्हें जो है फिल करना है, इनकेस अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है तो जो अब आपको लेटेस्ट मार्क्स मिले, अब आप मेरे हिसाब से 75% क्राइटेरिया को यहाँ पे मीट कर चुके होंगे, तो उन मार्क्स को आपको फिल करना है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इंप्रूवमेंट मार्क्स तभी कंसिडर किए जाएंगे अगर आपने सारे सब्जेक्ट के जो है एग्जाम दी होगी, क्योंकि ये चीज आपके प्रोशन में अलग से ही मेंशनड है कि ओनली स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन इन 2023 और हु हैव पास 12th क्लास एग्जामिनेशन इन 2022 आर एलिजिबल टू अपियर इन द बिटसेट 2023 टेस्ट। तो ये थोड़ा सा जो है आपके ईयर्स चेंज हो गए, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन वन अटेम्प्ट इन 12th क्लास और इट्स इक्विवेलेंट, ओनली हिज और हर लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज कंसिडर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कंसिडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड दिस अटेम्प्ट हैज बीन फॉर द फुल कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट और कोर्सेज प्रिस्क्राइब। तो आपके जो इंग्लिश और ऑप्शनल है वो भी आपको देने पड़ेंगे इंप्रूवमेंट में, है ना, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब तीसरे पार्ट पे अगर हम बात कर ले कि प्रेफरेंस ऑर्डर, तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर जो है दिखने लगेगा आपको, आपको एक एक जो है डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड है उस पर जो है क्लिक करना रहेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर इनकेस आपको उसको हटाना है तो आप क्लियर करके जो है उसे हटा सकते हो, एक एक करके इस तरीके से आपको सारी अपनी डिग्री जो है मतलब सॉरी सारी आपकी जो ब्रांचेस है उनको ऑर्डर में जमाना रहेगा, है ना। और फिर फाइनली जो है कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को भी यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। अब एक चीज जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और स्टूडेंट के यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट डेट की अगर बात कर ले तो वो है हमारी 23 जून, 5 बजे के पहले जो है आपको इस फॉर्म को फिल करना है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ जो है पिछले वीडियो में चीज पूछी थी कि क्या उन्हें जो है फॉर्म जल्दी भर देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा था कि जिनके अगर सेम मार्क्स है तो शायद उन्हें जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिल जाए, कि जिन्होंने पहले प्रेफरेंस फॉर्म भरा है तो उनको उनके हिसाब से ब्रांच मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर इनकेस कोई दो स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स सेम आते जैसे कि 268 आते, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि उनके जो मैथमेटिक्स का स्कोर है उसको चेक किया जाएगा। किसी स्टूडेंट का अगर जो है यहाँ पे स्कोर लेट से 100 आया है और दूसरे वाले का जो है 99 आया है, तो 100 वाले को जो है ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है यहाँ पे एक रैंक ऊपर हो जाएगी। तो अगर आपके सेम मार्क्स है तो, और सेम मार्क्स काफी सारे स्टूडेंट्स के रहेंगे भी, आप ये समझ ही सकते हो 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स है और स्कोर जो है आपके 390 तक है, तो एक एक स्कोर पे जो है कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स रहेंगे, है ना। तो ये इसलिए ये जो है क्राइटेरिया रखा गया। इनकेस अगर मान लीजिए मैथ्स में दोनों के ही सेम रहते 100 100, तो उसके बाद जो है उनके फिजिक्स के स्कोर को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, फिर फिजिक्स में जिसके ज्यादा है उस हिसाब से रैंक दी जाएगी। और अभी भी अगर जो है टाई ब्रेकर रहता है तो फिर केमिस्ट्री का स्कोर चेक किया जाएगा। इनकेस मान लो कि भाई पीसीएम के तीनों के ही मार्क्स जो है वो सेम रहते हैं, तो जो टोटल मार्क्स क्लास 12 के एग्जामिनेशन में आए होंगे उसके बेसिस पे ये टाई हटाया जाएगा। तो वहां पे बहुत ही कम चांसेस बचते हैं कि आपका टाई तो भी बना रहे, ठीक है ना। तो अभी तक जो है ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है, तो ये चीज आपको जो है टाई ब्रेकर यहाँ पे रहेगा रूल। इसके अलावा कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है मतलब एक इंस्ट्रक्शन अलग से दिया है कि लास्ट डेट तक वेट मत करो, जो भी आपके यहाँ पे फॉर्मेलिटीज है एप्लीकेशन की वो पहले ही आपको भर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड अटेम्प्ट का जो आपके मार्क्स आते हैं उसके बाद थोड़ा चेंज करना है मान लो, तो एक 24 से लेकर 26 की आपको एक विंडो मिलेगी, ठीक है। 26 जून 5 बजे के पहले जो है आप इसको कर सकते हो, तो इसके अंदर आप एडिट कर पाओगे कि आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको एक दो ब्रांचेस को ऊपर सरकाना है या किसी को नीचे सरकाना है, वो चीज आप कर पाओगे। तो उसके लिए आपके लॉग इन क्रेडेंशियल्स को संभाल के रखना, है ना, उस हिसाब से आप यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। अगला डाउट जो कि स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखने को मिलता है कि व्हाट इफ
और क्लास 12th मार्क्स विल बी अनाउंस लेटर, ठीक है ना। अगर आपके क्लास 12th के मार्क्स जो है बाद में आते हैं तो उस केस में क्या करें, तो अगर आप जो है bitsadmission.com पे FAQs वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशनड है कि अगर जैसे क्लास 12th के जो आपके रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं है बिफोर 30th जून, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेंशन किया है कि अगर जो है आपके रिजल्ट 23rd जून के पहले आ रहे हैं तो उस हिसाब से ही आप बिटसेट के लिए यहाँ पे फॉर्म भरो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको कहूंगा कि इनकेस आपको लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे चांसेस है तो आप डायरेक्ट जो है बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन को अभी कॉल करके भी थोड़ा सा पूछ सकते हो कि अगर हमारा 1-2 हफ्ते लेट आ रहा है तो क्या वो कंसिडर कर लेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस प्रोवाइड कर दी जाए, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन देखने को मिले, या फिर वो कोई आपको तरीका बताए, तो एक बार आप जो है चेक कर सकते हैं। बाकी जो चीज ऑफिशियल यहाँ पे आपको दी हुई है वही चीज मैंने आपको बताई है, तो उस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। अब एक और डाउट जो कि स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे अपियर ही नहीं हुए थे तो क्या उन्हें फॉर्म अभी भरना चाहिए या फिर बाद में, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में, या फिर उन्होंने जो है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना स्कोर आया ही नहीं है कि जिसके बेसिस पे उन्हें कोई ब्रांच मिल गया है तो क्या उन्हें सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वेट करना चाहिए। तो देखिए अभी भी आप जो है फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर जो आपको फिल करना है वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे फिल करना है, ना कि आपके जो मार्क्स आए उसके बेसिस पे। क्योंकि देखो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका स्कोर लेट्स से 260 या 270 आया, तो भी वो ट्राई करेंगे कि जो पिलानी सीएस है उसको टॉप पे भरे। हाँ आपको नहीं मिलेगी ये आपको पता है, पिछले साल के आप कट ऑफ देख लो कि इतने नीचे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या है अपने उसके लिए भर देते हो कि फिर आपको मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली तो वो सेकंड चेक करेंगे कि यार सेकंड मिल सकती है, सेकंड नहीं मिल सकती तो थर्ड प्रेफरेंस, इस हिसाब से आपको दिया जाता है। तो कई स्टूडेंट्स जो है अपने टॉप ब्रांचेस ऊपर डाल देते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से एक रफ जो है यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर बना दो। हाँ आपके सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स कुछ आते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मैंने इस ब्रांच को जो है थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, अभी भी मैं इसको डाल सकता हूँ शायद मुझे मिल ही जाए, तो फिर आप जो है 24 से 26 का जो विंडो है उसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हो। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप जो है इस प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि किस तरीके से बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बनाए, मतलब उनके दिमाग में थोड़े डाउट होंगे कि ड्यूअल डिग्री को ऊपर डाले या फिर मैक वाली ब्रांच को ऊपर डाल दे या फिर कौन से सीएस को ऊपर डाले, सीएस के बाद क्या सर्किट ब्रांचेस रखे, या ऐसे थोड़े बहुत डाउट हो, तो उसके लिए अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इस पे लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें समझ में आए कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एक छोटा सा टारगेट भी ले रहे हैं कि 500+ लाइक्स, वैसे तो आप जानते हैं कि हम टारगेट रखते हैं, अगर हम मीट नहीं भी करते तो भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, लेकिन टारगेट अगर जल्द से जल्द मीट हो जाता है तो उतने ही जल्दी आपके लिए ये वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहेगा। एंड साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है कि भैया ये ब्रांच जो है ऊपर डाल सकते हैं ये ब्रांच नीचे डाल सकते हैं, तो वो भी आप मेंशन करिए। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं तो इससे समझ में आएगा कि काफी सारे स्टूडेंट की यही क्वेरी है और उन डाउट्स को भी हम उस वीडियो में ले लेंगे। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।